नमस्कार बच्चों, आप कैसे हो? बहुत अच्छे है ना। आज हम वर्णमाला में आने वाला व्यंजन अक्षर ट वर्ग का तीसरा अक्षर ड ध न त वर्ग में त थ द अक्षर या वर्ण को लिखने का क्रम इस अक्षर से आने वाला शब्द प्रारंभ होने वाला शब्द के बारे में आज पढ़ेंगे। पहला वर्ण आज टवर्ग में आने वाला तीसरा वर्ण द, द अक्षर से प्रारंभ होने वाला शब्द, द अक्षर से प्रारंभ होने वाला शब्द डमरू, डमरू, डाकिया, डाकिया, दाल, दाल, दलिया, दलिया, दा से दमरू, दास, डाकिया, दा से दाल, ड से दलिया। इधर शंपट पर देखो, डा अक्षर लिखने का क्रम। आप स्वर अक्षर ये लिखते हैं ना, इसी तरह इधर देखो, कड़ीपाई आधा गोल, छोटा कड़ीपाई आधा गोल और इसकी तरह यस ऊपर शिरोरे, इसको हम कहते हैं अल्पप्राण ड। डा से डमरू, डा से डाकिया, डा से दाल, ड से दलिया, इसको हम कहते हैं अल्पप्राण व्यंजन अक्षर ट वर्ग में आने वाला तीसरा शब्द। नेक्स्ट महाप्राण अक्षर, नेक्स्ट वर्ण महाप्राण ढ, ड अक्षर से आने वाला शब्द ड, ढ से ढक्कन, ढ से डोलर, ढ से डॉल, ढ से डील। इधर देखो, ड अक्षर क्या लिखते हैं ना अक्षर, इसी तरह लिखकर अंदर इनसाइड द लेटर पुट सर्कल। इधर छोटा कड़ीपाई आधा गोल, इसको हम कहते हैं टा, बाद में टा के अंदर एक गोल लगा हो, इसको क्या कहते हैं, टावर में आने वाला ढा, ढा से ढा से ढक्कन, ढा से ढोलक, ढा से ढाल, ढा से डी। नेक्स्ट आने वाला वर्ण ना, टवर्ग में आने वाला वर्ण पंचम वर्ण ना, क्या कहते हैं ना, इसको पंचम वर्ण भी कहते हैं और अनुनासिक शब्द भी कहते हैं। ना अक्षर से आने वाला प्रारंभ होने वाला कोई शब्द नहीं है। इस वर्ण लिखने के बारे में इधर शाम पर देखो, आधा गोल, आधा गोल, बाद में एक कड़ीपाई, आधा गोल, कड़ीपाई, शिरोरे, आधा गोल, कड़ीपाई, शिरोरे, ना, ना, ना का उच्चारण करते समय चीप को फोल्ड करो, बाद में उच्चारण करो ना, ना, ना। इधर देखो, ड, ढ, न, ढ से डमरू, ढ से डाकिया, ढ से दाल, ड से दलिया। नेक्स्ट महाप्राण अक्षर ढ,
धा से ढक्कन, धा से डोलर, डा से ढाल, डा से दीन। नेक्स्ट ना वर्ग में आने वाला प्रारंभ होने वाला शब्द नहीं है, ना, ना। नेक्स्ट टा वर्ग होने के बाद अगला वर्ग को हम कहते हैं टा वर्ग। टा वर्ग में आने वाला शब्द और इस वर्ण को लिखने का क्रम इधर शाम पढ़ कर देखो। टा से तराजू, टा से तल, टा से ताल, टा से तलवार। इधर देखो, टा से तराजू, टा से तल, टा से ताल, टा से तलवार। ता लिखने का क्रम एक कड़ीपाई, कड़ीपाई और उनके बाद रिवर लेफ्ट साइड आधा वर्ग की तरह है, इसको हम कहते हैं त। अल्फा प्राण त। त से तराजू, त से तल, त से ताल, त से तलवार। नेक्स्ट ता वर्ग होने के बाद इसको हम क्या कहते हैं, अल्पप्राण। नेक्स्ट लेटर महाप्राण अक्षर, इस अक्षर को लिखते समय कड़ीपाई के ऊपर शिरोरे खींचो, पूरे वर्ण पर शिरोरे मत खींचो। थ अक्षर से आने वाला शब्द थ से थर्मस, थ से थन, थ से थल, थ से थाली। थ से तर्मस, थ से थन, थ से थल, थ से थाली। इधर देखो, आधा गोल, आधा गोल नीचे की तरह, आधा गोल नीचे, नीचे से ऊपर तक, आधा गोल नीचे, नीचे से ऊपर तक, बाद में कड़ीपाई, ऊपर शिरोरे कड़ीपाई के ऊपर था, 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 था से थर्मस, था से थन, था से थल, था से थाली। ता के बाद आने वाला अगला वर्ण अल्पप्राण दा, दा से दवा, दा से दवाई, दा से दही, दा से दरवाजा, दा से दवा, दा से दवाई, दा से दही, दा से दरवाजा। अब टावर में डा लिखते हैं ना, इसी तरह लिखकर बाद में एक पूंछ की तरह लिखो। इधर देखो, कड़ीपाई, इसको हम क्या कहते हैं, ढा। इधर टा लिखो, ऊपर से नीचे तक एक पूंछ की तरह लिखो, ढा। ढा से दवार, धा, दा से दवाई, दा से दही, दा से दरवाजा। इसको हम कहते हैं टा वर्ग में आने वाला तीसरा वर्ण अल्पप्राण त, थ, ध। एक चार वर्ण है, टा वर्ग में तीन वर्ण और ता वर्ग में तीन वर्ण। इस वर्ण से आने वाला शब्द और इस वर्ण को लिखने के क्रम आप सब जानते हैं ना, इसी तरह आप भी घर में अभ्यास करो। इस अक्षर से आने वाला शब्द को उच्चारण करने पर ध्यान से शब्दों को उच्चारण करो। फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टूडेंट ओपन
हिंदी भाषा श्रावती पेज नंबर 19। ड अक्षर से आने वाला शब्द चित्र के माध्यम से अभ्यास करो। ड से डला, ड से डमरू, ड से डगर, ड से डला, ड से डमरू, ड से डगर। आप भी मेरे साथ दोहराओ। ड से डला, ड से डमरू, ड से डगर। अगला वर्ण महाप्राण ढ। ढ से डब, ढ से डक्कन, ढ से डहरी। ढ से डब, ढ से डक्कन, ढ से डहरी। आप भी मेरे साथ दोहराओ। ड से डब, ढ से डक्कन, ढ से डहरी। इधर पेंसिल लेकर आज का दिनांक लिखो। इधर टवर्ग में आने वाला अल्पप्राण और महाप्राण अक्षर है ना, ये अक्षर को अभ्यास करो। नेक्स्ट पेज नंबर 20। इसको हम कहते हैं पंचम वर्ण या अनुनासिक शब्द ना। डोंट से ना, ना, ना। ना अक्षर से आने वाला शब्द नहीं है। इधर अगला वर्ण ता। ता अक्षर से आने वाला शब्द त से तराण। डोंट से तराणी, त से तराण, त से तरबूज, त से तलवार। इधर ध्यान से सुनो। त से तराण, ना तराण, त से तरबूज, त से तलवार। आप ही मेरे साथ दोहराओ। त से तराण, त से तरबूज, त से तलवार। इधर ना और ता अक्षर है ना, ये दोनों वर्ण को अभ्यास करो। ट वर्ग में आने वाला पंचम वर्ण, त वर्ग में आने वाला पहला वर्ण त, ये दोनों वर्ण को अभ्यास करो। पेज नंबर 21। दूसरा वर्ण तवर्ग में आने वाला दूसरा वर्ण, इसको हम कहते हैं महाप्राण था। इधर ता लिखते समय शिरोरेख खींचते समय कड़ी पाई के ऊपर शिरोरेख खींचो। पूरा वर्ण पर खींचते समय अक्षर का उच्चारण या होते हैं। इधर लिखते समय था अक्षर ऊपर शिरोरेख खींचते समय थोड़ा सा ध्यान रखो। इसको हम कहते हैं महाप्राण था। थ से थन, थ से तंब, थ से थैली, थ से थन, थ से थंब, थ से थैली। आप भी मेरे साथ दोहराओ। थ से थन, थ से तम, थ से थैली। त
ता वर्ण होने के बाद आने वाला अगला वर्ण अल्पप्राण द, अल्पप्राण ध। द से दरखत, द से दरखत, द से दर्जी, द से दवात, द से दरखत, द से दर्जी, द से दवात। आप ही मेरे साथ दोहराओ, द से दरखत, द से दर्जी, द से दवात। इधर नीचे ता अक्षर और द अक्षर, ये दोनों वर्ण को अभ्यास करो। इधर मैं फिर बताती हूँ, ता लिखते समय ता के ऊपर शिरोरे खींचते समय थोड़ा सा ध्यान रखकर अभ्यास करो। सुनो बच्चों, ता से संबंधित कहानी को पढ़ेंगे। चित्र को ध्यान से देखो। तनुज नामक एक लड़का ने तालाब के पास तकिया तलवार रखी। तनुज ने तौलिया लेकर तितली की ओर भागा। तालाब के सामने तमस राम नामक एक आदमी ने तराजू पर तरबूज तोड़ रहे थे। उसने देखा तोता ताला लेकर तबला के ओर जा रहा है। सुनो बच्चों, मैं प्रश्न पूछती हूँ, उत्तर देने के लिए प्रयत्न करो। पहला प्रश्न, तनुज ने तालाब के पास क्या रखा? तनुज ने तालाब के पास तौलिया और तलवार रखा। दूसरा प्रश्न, तनुज ने तौलिया लेकर कहा भागा? तनुज ने तौलिया लेकर तितली की ओर भागा। तालाब के पास क्या रखा था? तालाब के पास तरबूजा और तमसराम नामक आदमी बैठा था। तमसराज क्या बेच रहा था? तमसराम तरबूज बेच रहा था। तोते के पास क्या था? तोते के पास तबला था। ता व्यंजन से शुरू होने वाली कहानी को पढ़ेंगे। तानिदा तत्र सिंह मेज पर
थाली और हाथ में थर्मस थी। सिपाही तकन सिंह चोर को लाया क्योंकि उसने गाय चुराई थी। तानीदार ने गुस्से से जोर से पूछा, गाय कहाँ से चुराइए? लेकिन वे कुछ नहीं बोला, इसलिए सिपाही ने जोर से थप्पड़ लगा। ये देखकर गाय बहुत खुश हुई। गाय के पास थर्मामीटर था। था से आने वाला शब्द ता से थप्पड़, ता से तकन सिंह, ता से थर्मस, था से ताली, ता से थन, ता से थर्मामीटर। द अक्षर संबंधित कहानी को पढ़ेंगे। उस दिन 10 तारीख थी। दादाजी दरी पर बैठकर दही खा रहे थे। उनकी दवाई भी वही रखी थी। पास में बैठा दर्जी दादाजी का कुर्ता सिल रहा था। मेज पर दवा की शीश रखी हुई थी। दरवाजा खुला रहा था। चित्र को देखकर प्रश्न का उत्तर दे दो। दादाजी कहाँ बैठ हुए थे? दादाजी दरी पर बैठ हुए थे। दादाजी के पास क्या रखा था? दादाजी के पास दवाई रखी थी। दर्जी क्या सिल रहा था? दर्जी दादाजी का कुर्ता सिल रहा था। मेज पर क्या रखा था? मेज पर दवात रखा था। उस दिन कौन तारीख थी? उस दिन 10 तारीख थी। द अक्षर से आने वाला शब्द की कहानी सुनेंगे। उस दिन बहुत तेज धूप था। धनंजय धनुष लेकर धनिया लेने के लिए बाजार गया। पासी में खड़े धनपत ने व्यक्ति को बहुत जोर से धक्का दिया। उसके थैले में बहुत साधन था। धक्का लगने से सारा
धन धरती पर गिर गया। प्रश्न का उत्तर चित्र के माध्यम से बताओ। पहला प्रश्न, उस दिन क्या था? उस दिन बहुत तेज था। धनंजय क्या लेकर बाजार गया? धनंजय धनुष लेकर बाजार गया। धनंजय क्या लेने के लिए बाजार गया था? धनंजय धनिया लेने के लिए बाजार गया था। उस व्यक्ति को किसने धक्का दिया था? उस व्यक्ति को धनपत ने धक्का दिया था। उस व्यक्ति के हाथ में क्या था? उस व्यक्ति के हाथ में तैला था। तैला में क्या क्या गिर गया? तैला में धन गिर गया। द अक्षर से आने वाला शब्द, द से धनंजय, ध से धनुष, ध से धनिया, ध से धनपत, ध से धक्का, ध से धरती, ध से धन, ध से धूप। ना व्यंजन से शुरू होने वाले कहानी सुनेंगे। चित्र को ध्यान से देखो। नकुल नामक एक लड़का ने नहाने के लिए गया, पर नल में पानी कम होने के कारण ये पास में गहराई नदी में नहाने लगा, जिसमें एक नाव खड़ी थी। नकुल की नाना नानी उस ढूंढते हुए वहां पहुंचे। नदी की इस किनारे एक नत पड़ी हुई थी और दूसरी किनारे कुछ लोग मस्ती में नाच रहे थे। कुछ सवालों को जवाब दो। चित्र को देखकर उत्तर देने के लिए प्रयत्न करो। पहला सवाल, नहा रहा था। नकुल नदी में नहाने रहा था। दूसरा सवाल, नदी में एक किनारे पर क्या पड़ा था? नदी में एक किनारे एक नत पड़ा था। दूसरे किनारे क्या हो रहा था?
दूसरे किनारे कुछ लोग नाच रहे थे। नदी में क्या कड़ी थी? नदी में एक नाव कड़ी थी। इधर देखो, ना अक्षर से प्रारंभ होने वाला शब्द, ना से नकुल, ना से नहाना, ना से नाव, ना से नत, ना से नदी, ना से नल, ना से नाना, ना से नानी, ना से नाच।